मुझे बोला जा रहा था कि लड़की नहीं मिलेगी, वैसे तो अभी भी नहीं मिल रही, नहीं मिलेगी नहीं। अभी मेरे मम्मी पापा बोल रहे हैं अभी तू काम पे ध्यान दे ले, और लड़की लड़की कर लिया थोड़ा करियर पे ध्यान दे। क्या हुआ खानजादी और मैं अभी तक मिल ही नहीं पाया, हमारी बात बात हो गई है जरूर, बट वो अभी मिल नहीं पाया हम, बट जल्दी मिलेंगे क्योंकि मैं दो दिन शूट पे चला गया था और वो भी अपना गाना रिलीज कर रही थी, तो अभी फ्री होती है। मैंने देखा मेरी बात भी हुई, बहुत खुश है, मैं भी जल्दी मिलने वाला हूँ, होपफुली जल्दी ही मिलूँ मैं। अब मैं भी अब मिलना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा सेटल सा हो गया, पहले मैं थोड़ा टायर्ड था, सेटल नहीं हो पा रहा था। और रोमांटिक सॉन्ग है तो जो सारे कपल्स हैं, जो लवर्स हैं, उनको ये गाना बहुत पसंद आएगा, और वैलेंटाइंस डे के आस पास रिलीज हो रहा है, बहुत प्यारा सॉन्ग है। और अखिल सचदेवा जी ने गाया, जिन्होंने वो गाना गाया था सुन मेरे हम सफर, तो बहुत प्यारा ही गाना है, मुझे तो बहुत पसंद आया, आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत सारा प्यार। आपके फेवरेट प्लेस पे ये शूट किया गया है चंडीगढ़, मेरे उड़ारिया के सेट पे शूट किया गया है, क्या बात है। तो मैं तो बहुत खुश हुआ कि जहाँ से जर्नी स्टार्ट करी थी वहाँ पे मैं फिर से शूट कर रहा हूँ, और सरगुन मैम भी मिले, उन्होंने भी बहुत तारीफ की, बहुत अच्छा खेला, बड़ा अच्छा लगा। भाई आपके लेफ्ट, भाई सामने लेफ्ट में, लेफ्ट में, लेफ्ट में अभिषेक भाई, अभिषेक भाई आपका लेफ्ट, भाई लेफ्ट में अभिषेक भाई, थैंक यू। मुझे भी नहीं पता, मैंने आज इनविटेशन भेजे थे, और नहीं मतलब मैं तो पर्सनली भेजना चाह रहा था, बाकी मेरी टीम ने सारा काम कर दिया था अभिषेक भाई सेंटर में। जो लोग आ जाएंगे अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो काफी सारे लोग आ गए, मैं नहीं मिल पाया, खुद लेट हो गया क्योंकि मैं लैंड चंडीगढ़ से डायरेक्ट यहाँ पे आया, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया। हाँ मैंने बात तो की है, वो किसी रिहर्सल्स में बिजी है, कुछ उसका भी आने वाला है, तो मैंने बोला है कि आ जाना यार 10 मिनट के लिए आना, तो आएगा वो, दोस्ती पक्की है क्योंकि हमारी वीडियो कॉल में इतनी बातें होती है, इतनी ज्यादा मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था इतनी बातें होगी, बट अब बहुत बातें। अभिषेक मुनव्वर का अभी जो स्टैंड अप कॉमेडी का वीडियो आउट हुआ है वो आपने देखा? नहीं मैं नहीं देख पाया क्योंकि मैं मेरे पास ही टाइम नहीं था, और मैं अपने घर पे गया हुआ था, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, उनके साथ भी मैं कर नहीं पाया, प्लस मैं गाना भी शूट कर रहा था, तो थोड़ा सा बिजी था। अभिषेक आपका मीटअप बहुत अच्छा रहा, आपके फैंस हमने देखे बहुत क्रेजी हो रहे थे, क्या कहना चाहोगे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे 1% भी आइडिया नहीं था कि मैं आधे घंटे पहले स्टोरी लगाऊंगा और इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और मुझे लगता है मेरे को पहले बोलना चाहिए था कि मैं आने वाला हूँ, तो शायद और लोग इकट्ठे हो जाते, बट बहुत भीड़ थी, पूरा गोविंदगढ़ जाम हो रखा था, और सारे मेरे घर पे आए और सबने एक एक करके फोटो खिंचवाई, मैं सुबह 4 बजे सोया हूँ सबके साथ फोटो क्लिक करके, मेरे पापा ऐसे खड़े थे कि सबके साथ खिंचवा, कि सबने एक एक वोट डाला मेरे को, तो मैं सबके साथ पिक्चर क्लिक करवा, अच्छा लगा। मेरे लिए बहुत ही अलग मूवमेंट था क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा सब, पर हुआ ये, और मैं भगवान का बहुत शुक्र गुजार हूँ, जय श्री राम, जय माता दी, की मैं यहाँ तक पहुँचा और मैं आगे मेहनत करता जाऊँगा और आगे बढ़ता। अभिषेक बहन लोग का क्या रिएक्शन था, आपसे हग करके बहुत इमोशनल हो रहे थे वो, क्या जी? वो मेरी सिमरन दीदी थी, वो मेरे उड़ारिया में मेरी दीदी प्ले करती थी, तो मैं उनको दीदी ही बोलता हूँ, और मेरी माँ जो प्ले करती थी उनको मैं माँ ही बोलता हूँ, तो वो लोग भी आए थे, मुझे नहीं पता था वो लोग आ रहे हैं, तो मैंने उनके पैर छुए, हग किया, वो लोग बहुत प्राउड थे, प्लस मेरी रियल सिस्टर, मेरी रियल मॉम, वो लोग भी बहुत प्राउड थे, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ जी One more. One more. भाई एक बार और। Thank you.